इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इमरान मसूद ने सपा में शामिल होने का किया ऐलान। कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी इमरान सपा में जाएंगे। अब सहारनपुर के प्रभावशाली नेता हैं इमरान मसूद, वहीं अपने समर्थकों के साथ मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। सपा से ही कांग्रेस में गए थे, अब वापस यानी कि घर वापसी करते नजर आ रहे हैं इमरान। तो खबर जहां सहारनपुर से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, इमरान मसूद ने सपा में शामिल होने का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव में देखिए दल बदल की राजनीति है जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच कई पार्टियों के नेता दूसरी पार्टी में शामिल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी इमरान सपा में जाएंगे, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इस बीच यहां पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर सपा में शामिल होना कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस के लिए क्या कुछ मायने निकाले जाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सिर्फ यहां इमरान ही नहीं बल्कि अपने समर्थकों के साथ यहां पर उन्होंने ये मीटिंग में फैसला लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पारस पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, इमरान मसूद ने सपा में शामिल होने का यहां पे खबर सामने आ रही थी, लेकिन फाइनली अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सपा में वो शामिल होने वाले। कितना बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को देखने को मिल रहा है बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से इमरान मसूद की लगातार अटकलें चल रही थी, लगातार काफी समय से चल रही समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन तो रहे थे। और आज मैं मानता हूँ कि पश्चिमी यूपी में बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को दिया है। और इमरान मसूद ने अपने विधायक के साथ जो मसूद विधायक है उनकी संतों ने आज सभा में जाने का सीधा रास्ता सभा के सामने क्लियर कर दिया। जी पारस, क्या कारण बताए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में रहते हुए वो काम यहाँ पर इमरान नहीं कर पा रहे थे जिसके चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, या फिर कोई और वजह बताई जा रही है? देखिए इमरान की अगर सबसे बड़ी बात करें, सबसे पहले उन्हें कहा कि भाजपा का जो कोई पार्टी रोक सकते हैं तो वो समाजवादी पार्टी है, और हमारा सबसे पहले यही मुद्दा रहेगा कि किसी भी तरह से हम भाजपा को जीत की तरफ से ले जाने से रोके, और उसके लिए समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर एक विकल्प जनता के सामने है। तो इसे उसको आप क्रेडिट देने से अपना वो कहीं ना कहीं रहे समाजवादी पार्टी भाजपा को रोकेगी, और इसी के लिए उसने तैयारी की है। जी यानी कि ये कह सकते हैं कि अब इमरान ने घर वापसी कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले भी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में गए थे और कांग्रेस तो फिर घर वापसी। जी बिल्कुल पारस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें खबर जहां इमरान मसूद ने सपा में शामिल होने का ऐलान किया है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। सहारनपुर के प्रभावशाली नेता हैं इमरान खान, वहीं आपको बता दें कि यहां पर सपा से ही कांग्रेस में गए थे जिसके बाद अब घर वापसी उन्होंने की है।